साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेटाबॉलिक डिजीज अपन पढ़ रहे थे, कैटल एंड बफेलो के जो भी लाइव स्टॉक होता है अपना, उसके उपापचय से संबंधित जो भी बीमारियां होती है उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास में दोस्तों अपन पढ़ेंगे मैग्नीशियम से संबंधित बीमारी है जिसे अपन बोलते हैं मैग्नीशियम टिटेनी। इसको अपन बोलेंगे मैग्नीशियम टिटेनी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाम हैं इसके, लैक्टेशन टिटेनी भी इसको बोलते हैं, उसके अलावा इसको ग्रास टिटेनी भी बोल सकते हैं, ठीक, या ग्रास स्टेगर्स भी बोल सकते हैं। उसके अलावा इसको वाइट पोस्चर पॉइजनिंग भी इसको बोला जाता है। तो ये बहुत सारे नाम हो गए दोस्तों इसके। इसके अलावा इसको हाइपोमैग्नीशीमिया भी बोलते हैं, हाइपोमैग्नीशीमिया, क्योंकि ये मैग्नीशियम की कमी से हो रही है, ठीक है। मैग्नीशियम टिटेनी क्योंकि टिटनेस जैसे इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होता है, ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है, यानी नॉर्मल जो रेंज होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो रेशियो होता है वो 70:1 तक होना चाहिए, ठीक है। परंतु अगर ये बढ़कर 90:1 हो जाए, उस स्थिति में कैल्शियम बढ़ गया तो मैग्नीशियम को क्या माना जाता है, यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हाइपोमैग्नीशीमिया बोला जाता है। लैक्टेशन टिटेनी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो एनिमल है जो काविंग के बाद में, लैक्टेशन का मतलब क्या है, दूध देने की जो अवधि होती है, उस समय पर अगर वो केवल ग्रास पर डिपेंड करता है, हरी घास खा रहा है वो केवल, तो हरी घास में क्या होता है दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को रोकती है, ठीक है। मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को रोकेगी किसकी ज्यादा मात्रा, सोडियम और पोटेशियम की, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड में या बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, ठीक है। तो जो एनिमल ज्यादा हरी घास खाते हैं उनमें भी मैग्नीशियम टिटेनी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको अपन ग्रास स्टेगर्स या ग्रास टिटेनी भी बोलते हैं। अब बात करें व्हाइट पॉस्चर पॉइजनिंग जो बोल रहे हैं अपन, ये किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं अपन, काफ के लिए। छोटे जो बछड़े होते हैं 1-2 महीने के 3 महीने के, जो केवल दूध पीते हैं, ठीक है, जो केवल माँ का दूध पीते हैं, उनमें भी इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है उसकी मात्रा दूध में बहुत कम होती है, तो उनके बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी उनमें देखने को मिलती है। तो काफ इसके लिए मोस्ट ससेप्टिबल होते हैं, ठीक। उसके अलावा एडल्ट एनिमल जो होता है उसमें होने पर ये टिटनेस जैसे साइन दिखाती है, इसलिए इसको अपन टिटेनी बोल रहे हैं। तो ये इसके बहुत सारे नाम होते हैं, इन सभी नामों से इस बीमारी को जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बीमारी इतनी इंपॉर्टेंट है या इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसका पता ही नहीं लग पाता। जैसे ये बीमारी जानवर में होती है तो जो ट्रीटमेंट करने वाला है वो इस बीमारी को पकड़ने में सफल नहीं हो पाते हैं मैक्सिमम लोग। क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसके साइन वहाँ पे समझ में नहीं आते हैं अपने को। टिटनेस से इसको रिजेंबल कर सकते हैं अपन, रेबीज जैसे साइन भी अपने को देखने को मिलेंगे, कुछ लोग इसको कीटोसिस भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बीमारियों के साथ इसका कन्फ्यूजन होता है, तो आज के इस क्लास में अपन सारे कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कौन कौन से साइन अपने को देखने को मिलेंगे, क्या क्या सिम्टम्स इस बीमारी के अपने को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, सबसे पहला जो साइन देखने को मिलेगा वो होगा हाइपरएस्थीसिया। हाइपरएस्थीसिया इसका क्या मतलब होता है, जानवर अति संवेदनशील हो जाएगा, यानी अगर थोड़ी सी भी आवाज़ भी होगी तो भी वो उसको रिएक्ट करेगा। अगर जानवर को अपन हाथ लगा देंगे तो वो एकदम बिदक जाएगा, बहुत ज़्यादा भड़क जाएगा। इस प्रकार की कंडीशन होने को क्या बोलते हैं, हाइपरएस्थीसिया बोलते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाएगा। उसके अलावा उसके शरीर में क्या होगा, कपकपी होगी, ठीक है। ऐंठन अपने को देखने को मिलेगी, कन्वल्जन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसका जो सिर है, गर्दन है, वो ऊपर की तरफ घूम जाएगी और उसकी जो बैकबोन है वो धनुषाकार हो जाएगी, ठीक है। धनुषाकार यानी बैकबोन क्या हो जाएगी, बीच में से ऊपर उठ जाएगी, इस टाइप्स की बैकबोन उसकी देखने को मिलेगी। उसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे अपने को इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है, श्वसन दर है, वो भी यहाँ पे बढ़ी हुई मिलेगी अपने को। उसके अलावा उसकी जो हर्ट रेट है वो भी यहाँ पे बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। हार्ट रेट 200 से 250 तक भी यहाँ पे पहुँच जाती है, ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो हर्ट साउंड है वो दूर से ही ऑडिबल है, ठीक है, दूर से ही सुनी जा सकती है। जैसे ही उसकी थोरेसिक कैविटी के पास अपन कान भी लेके जाएंगे तो भी उसके हर्ट साउंड को सुन सकते हैं, बिना स्टेथोस्कोप के भी हर्ट साउंड को सुना जा सकता है, किसमें, मैग्नीशियम टिटेनी में, ठीक है। तो ये इस टाइप के सारे साइन अपने को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों जैसे टिटनस है, टिटनस के साथ भी ये कन्फ्यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा रेबीज के भी यहाँ पे कन्वर्जन्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अपन यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं। और क्या होता है इसमें, उसके अलावा लेड पॉइजनिंग, ठीक है, लेड पॉइजनिंग में भी
क्या होता है, सर्कलिंग मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लेड पॉइजनिंग से भी कंफ्यूज होते हैं। उसके अलावा कीटोसिस के जो नर्वाइन साइन है, नर्वस फॉर्म होती है, पढ़ा था अपन ने कीटोसिस के नर्वाइन साइन, वहाँ से भी ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और एनसिफेलोपैथी से भी ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो बहुत सारी बीमारियों के साथ इसका जो सिम्टम है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर डायग्नोसिस इसका नहीं हो पाता और प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका नहीं हो पाता। अब इन सभी बीमारियों से इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें वो अपने आप ही देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया इसके जो भी सिम्टम्स हैं, उसके अलावा क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे यहाँ पे, चैम्पिंग ऑफ जा यानी दांतों का किटकिटाना, जैसे सर्दी के टाइम दांत किटकिट किटकिट करते हैं, उस टाइप के साइन भी अपने को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और क्या देखने को मिलेगा, बेलोविंग भी देखने को मिलेगी। जानवर क्या होगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, रंभाना, जानवर का रंभाना क्या कहलाता है, बेलोविंग कहलाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे गैलोपिंग ये भी देखने को मिलेगा। गैलोपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को निगलते हैं अपन तो आवाज़ आती है इस टाइप की, तो उस टाइप की आवाज़ भी अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सारे साइन अपने को देखने को मिलेंगे जो कि इन बहुत सारी बीमारियों के साथ कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब इन बीमारियों से कैसे डिफ्रेंशिएट करें वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दूसरी बीमारियों से कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, कीटोसिस की बात करें अपन, कीटोसिस के साथ इसको अपन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कीटोसिस में अपन ने क्या देखा था कि उसमें जो फोर लिम्स होते हैं उनको वो क्रॉस करके चलता है, जानवर उनको ऐसे क्रॉस करके चलता है, जबकि यहाँ पे ये क्रॉसिंग ऑफ लिम्स अपने को देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर क्रॉसिंग ऑफ लिम्स देखने को मिल रही है तो ये कीटोसिस हो जाएगा, अगर क्रॉसिंग ऑफ लिम्स नहीं दिखाई दे रही है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम टिटेनी या लैक्टेशन टिटेनी इसको अपन बोलेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। दूसरी बात देखें अपन दोस्तों यहाँ पर रेबीज, इसके जो साइन है कपकपी है, चैंपिंग ऑफ जा है, ये सारे अपने को रेबीज में भी देखने को मिलते हैं, परंतु यहाँ पे क्या होगा, रेबीज में अपने को एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलता है। रेबीज में क्या होता है, जो जानवर है वो उसके मुंह से बहुत ज़्यादा लार अपने को देखने को मिलेगी, लार गिरती है, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन अपने को देखने को मिलता है, जबकि मैग्नीशियम टिटेनी में सलाइवेशन देखने को नहीं मिलता। उसी के साथ पैरालिसिस ऑफ लिम्स भी अपने को देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों चीज़ों से, रेबीज से और मैग्नीशियम टिटेनी, दोनों को अपन अलग कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें दोस्तों लेड पॉइजनिंग से, तो लेड पॉइजनिंग में क्या होता है, सर्कलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, सर्कलिंग मूवमेंट यानी जानवर गोल गोल चक्कर में घूमने लग जाएगा। ठीक है, गोल गोल चक्कर में घूमता है जानवर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लेड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, इसके साथ और भी बीमारियां हो सकती है, जैसे गिड हो सकता है स्ट्रेसोविस की वजह से, या इसमें ओटाइटिस भी अपने को देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे मैग्नीशियम टिटेनी में अपने को सर्कलिंग मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। इसके साथ ही अपन यहाँ पे लिस्टीरिया को भी रख सकते हैं, लिस्टीरियोसिस। इन सभी बीमारियों में सर्कलिंग मूवमेंट अपने को देखने को मिलता है, जबकि मैग्नीशियम टिटेनी में सर्कलिंग मूवमेंट अपने को देखने को नहीं मिलेगा। और बात करें दोस्तों इसके अलावा, तो यहाँ पे अपन टिटेनस की बात करें, टिटेनस से कैसे डिफ्रेंशिएट करें, मैक्सिमम लोग इसको टिटनस ही समझते हैं। जब भी बीमारी के साइन अपने को देखने को मिलते हैं तो मैक्सिमम लोग उसको क्या समझते हैं, टिटनस समझते हैं। क्यों समझते हैं, क्योंकि मैक्सिमम साइन क्या है, टिटनस के जैसे हैं, एटन आना, कपकपी आना, कन्वल्जन आना, दौरे पड़ना, इस टाइप के साइन होते हैं टिटनस में। परंतु टिटनस के केस में क्या होगा, थर्ड आईलिड जो होती है उसका प्रोलैप्स देखने को मिलता है। थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स ये किस में देखने को मिलता है अपने को, टिटनस में देखने को मिलेगा, जबकि मैग्नीशियम टिटेनी में थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स देखने को नहीं मिलता। उसके साथ ही आफरा देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, टिटनस के केस में अपने को आफरा यानी टिम्पेनी भी देखने को मिलती है, जबकि मैग्नीशियम टिटेनी में अपने को आफरा देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार इन बहुत सारी बीमारियों से अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की। तो जैसा कि अपन ने देखा, ये बीमारी हो क्यों रही है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, मैग्नीशियम का सप्लीमेंटेशन करना है। दूसरा पॉइंट अपन ने क्या देखा, ग्रीन फोडर या ग्रीन ग्रासेज जो है, ग्रोविंग जो ग्रास होती है उसमें मैग्नीशियम डेफिशिएंट होता है, पोटेशियम और सोडियम की ज़्यादा मात्रा होती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो बाधित होता है। तो उन चीज़ों का ट्रीटमेंट अपन कर देंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए अपन क्या दे सकते हैं, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट ये आईवी ड्रिप के माध्यम से अपन जानवर को लगा सकते हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम को अपन ओरली भी दे सकते हैं। ओरली देने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे ओरली दिया जाता है। ठीक है, इसको अपन एनीमा के थ्रू भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी रेक्टम से भी इसको दिया जा सकता है। रेक्टम से इसको अगर देंगे तो इसको अपन मैग्नीशियम क्लोराइड देते हैं। ठीक है, ओरली अगर देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देंगे, एनीमा या रेक्टम के थ्रू देंगे तो इसमें अपन मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। उसके अलावा दोस्तों दूसरा पॉइंट अपन देखें यहाँ पे, तो जो ग्रास है, ठीक है, ग्रीन ग्रास
जो कि ग्रोविंग स्टेज में है जिसमें मैग्नीशियम कम है, उसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम के सप्लीमेंट का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जब जानवर उसको खाएगा तो उसकी बॉडी में मैग्नीशियम पहुंच जाएगा और वहां पे मैग्नीशियम टिटेनी अपने को देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जब जानवर में इस टाइप के सिम्टम अपने को देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पे अपन क्लोरल हाइड्रेट का भी उपयोग कर सकते हैं। क्लोरल हाइड्रेट जो होता है एक सिडेटिव एजेंट है, जिसकी वजह से जानवर के जो कन्वलजंस हैं, जो फिट्स हैं, जो दौरे आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है, उसकी मसल्स है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, उसको थोड़ा रिलीफ यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी अपन उसको दे सकते हैं, जिसमें लिवर टॉनिक दे सकते हैं अपन, रोमिनोटॉनिक्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी फीडिंग इंप्रूव हो सके और वो अच्छे से जल्दी से रिकवर हो सके। परंतु इस बीमारी को अपने को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहचाना कैसे जाए, उसके लिए अपन ने यहाँ पे इसके बहुत सारे सिम्टम देखे और बहुत सारी बीमारियों से अपन ने उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। धन्यवाद।